राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मामले में उनकी एक हालिया टीवी डिबेट का जबरदस्त तरीके से एडिटेड वीडियो तथा कथित फैक्ट चेकर द्वारा सर्कुलेट किए जाने के बाद से उन्हें इंटरनेट मीडिया पर दुष्कर्म और गला काटकर हत्या करने की धमकियां मिल रही हैं। नूपुर शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, @CPJelly कृपया ध्यान दें, पूरी तरह से @Zubair फैक्ट चेक के बजाय माहौल को खराब करने, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और मेरे परिवार के खिलाफ सांप्रदायिक और लक्षित नफरत फैलाने के लिए एक नकली कथा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि मामले को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। नूपुर शर्मा ने बताया कि एक तथा कथित फैक्ट चेकर है जिसने माहौल को खराब करना शुरू कर दिया है। तब से मुझे जान से मारने और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं, जिसमें मेरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ सिर काटने की धमकी भी शामिल है। एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं मोहम्मद जुबैर, जिनको मैं कहती हूँ फेक स्प्रेडर, फैक्ट चेकर नहीं, फेक स्प्रेडर। उन्होंने किसी तरीके से एक ऐसा ट्वीट डाला कि आप विशिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को और आप दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी है, उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, और मेरी परिवारजनों की मतलब अब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं। इसी के चलते मैंने दिल्ली पुलिस में आदरणीय यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने अटैक करते हुए अभी तो बहुत कम ही दिखा है। मेरे पास तो लगातार फोन पे और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बहुत तरीके तरीके की धमकियां आ रही हैं जो बिल्कुल सही नहीं। कायदे से बहुत आराम से आके बातचीत हो सकती है, लेकिन जो मोहम्मद जुबैर ने एक फेक नैरेटिव शुरू किया है और फेक न्यूज़ चालू करी है, खुद ही किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की, वातावरण को विशिएट करने की, एनवायरनमेंट विशिएट करने की, एटमॉस्फेयर विशिएट करने की कोशिश जारी करी है, और उसके चलते जिस तरीके से मेरे और मेरे परिवारजनों को जान का खतरा नजर आ रहा है, ये कहाँ तक सही है। इसीलिए मैंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा है और मेरे पास तमाम मैं रिकॉर्ड अभी मेंटेन कर रही हूँ, और वो जिस जैसे ही वो पूरा पूरा जब मेरे को अभी भी आ रही है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी कह रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। तो यही है कि अगर कुछ मेरे और मेरे परिवारजनों को कुछ भी अनदेखी और कुछ गड़बड़ कोई मिसहैप हो जाता है तो इसमें केवल और केवल मोहम्मद जुबैर ही गिल्टी हैं और ये सरासर उनकी ही गलती है। नूपुर शर्मा ने ऑल्ट न्यूज के जुबैर पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का अगर नुकसान होता है तो इसके लिए फैक्ट चेक वाले जिम्मेदार होंगे। उन्होंने फैक्ट चेक पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का इल्जाम लगाया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चेकर्स द्वारा संपादित नूपुर का वीडियो प्रसारित किया गया जो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक टीवी चैनल में डिबेट करती नजर आ रही हैं। इसके बाद से ही बीजेपी नेता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बता दें कि नूपुर शर्मा दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य होने के साथ बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रमुख चेहरा रही है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बीजेपी का पक्ष रखते हुए वो टीवी डिबेट में अक्सर हिस्सा लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।